वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपको फिर दोबारा बता रही हूँ मैं, हमने भागवत जी पढ़ना शुरू कर दिया है। भागवत जी में दशम स्कंद प्रारंभ हो चुका है। अब यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार एवं बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। आपके लिए एक अच्छी बात बताना चाह रही हूँ, आज मेरे 510 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों और भगवान कान्हा जी के मेरे आशीर्वाद से, कान्हा जी ऐसे ही मुझ पर आशीर्वाद बरसाते रहें और चैनल आगे से आगे जाए और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में सुदर्शन, तो किसी के हाथ में धनुष बाण। मानो सबको संसार का डर है, कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लाला के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे में मिश्री। लाला रोज बांसुरी बजाता है, लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी हो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण कहने लगता है। लाला की वंशी की धुन जिसके भी कानों में जाती है वह उनका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया के रूप माधुरी भी अनेकों को आकर्षित करती है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कभी रसखान भी पागल हो गए थे। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है, वह तो बैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। यशोदा गर्गाचार्य से कहती है, महाराज भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे की बात होती रहेगी। गर्गाचार्य, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई खा नहीं सकता, अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा, पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज द्वारिकानाथ। गर्गाचार्य अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए, भगवान को खीर का भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा। मात्र अपने लिए ही बनाकर खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है। सो रसोई बनानी ही है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ, जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। यशोदा ने सोचा ये गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाएं, बिना खाएंगे ही नहीं, सो खीर को ठंडी करने के लिए गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखराकर भगवान की स्तुति आरंभ की। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठपति, खीर आरोग्य। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और बैकुंठनाथ हूँ, गुरुजी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और सोचकर वह खीर खाने के लिए भागा हुआ आ पहुंचा और खीर खाने लगा। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ओम नमो नारायणा। कन्हैया कहता है, महाराज आंखें बंदी रखना। गर्गाचार्य ने 12 बार माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा देख तो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है।
भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी और उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया, तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं करता भी क्या? महाराज ही ने तो मुझे खीर खाने को बुलाया था। गर्गाचार्य, नाना रे, मैंने बैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया, मैं ही तो हूँ बैकुंठवासी नारायण। यशोदा, छोटे मुंह बड़ी बात क्यों करता है रे, तू कहाँ का नारायण हो गया? कन्हैया, माँ, यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं। यशोदा ने सोचा, यदि इसने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि यह लड़का यशोदा का नहीं है। सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, चार हाथों वाले नारायण की अपेक्षा मेरा दो हाथों वाला मुरलीधरी अच्छा है। फिर यशोदा ने गर्गाचार्य से कहा, यह नादान लड़का है, इसकी बातों में ना आना, कृपया करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करके यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता, मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वह कुहू कुहू कहने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। यशोदा, कन्हैया, माँ, मैं तेरे पेट से सीख कर आया हूँ। माँ, उस मोर के पीछे जो है वह कौन है? माता, वह मोरनी है। तू जानता है मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया, माँ, मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची, वह माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ लाला सो गया है, अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बिखेरा और प्रार्थना करने लगे, नाथ, मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण, लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो वह जाने के लिए अधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे, यह वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बात भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा, इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ, और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज, अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना उनका जीवन सफल हो गया। गर्गाचार्य, यशोदा, तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप से पधारे हैं। लाला ने सोचा, गर्गाचार्य ने भंडा फोड़ दिया। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा, गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड प्यार नहीं करेगी। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने ना पाए। यशोदा को बुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। अब माखन चोरी की लीला का वर्णन भी कर लें। बालकृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे, उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल, तू बड़ा दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल, कन्हैया, हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं? कंस की आज्ञा थी सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वह मैं अब होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए।
इस माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मित्र हमें तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं बाहर का कमाकर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र क्या तू माखन की चोरी करेगा? कन्हैया हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। मित्र यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो? कन्हैया मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख नहीं पाएगा, यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र कन्हैया कौन सा मंत्र है वे? कन्हैया चोरी करते समय कफलम कफलम बोलते रहना, कफल ऋषि ने चौर्य विद्या का प्रचार किया था, यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कभी भी चोरी करनी नहीं है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो, जब आप अगले द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे गौ बालक बनाना। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता, और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए ही इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। राधे राधे, बाकी का कल पूरा विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।